हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हाजिर एक बार फिर से आपकी खिदमत में कुछ और मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेकर के। इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है आज, एक कुछ स्पेशल टाइप है। बस आज इस लेक्चर में इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चार कुछ बेसिक नॉट बेसिक स्पेशल टाइप है। dx अपॉन लीनियर अंडर रूट लीनियर हो तो क्या करें हम? इस अंडर रूट लीनियर को, इस अंडर रूट लीनियर को टी पुट करके सोल्व करेंगे। बाहर क्वाड्रेटिक का रूट में लीनियर है तो भी अंडर रूट लीनियर को टी पुट करेंगे। दोनों में बाहर लीनियर है, रूट में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, मतलब अंडर रूट में अगर लीनियर है तो अंडर रूट लीनियर को टी पुट करके सोल्व करना होगा। बाहर लीनियर है, रूट में क्वाड्रेटिक है, तो इस बार लीनियर को पुट करेंगे, लीनियर को पुट करेंगे वन बाई टी। और बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट में भी क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर पुट हो करेंगे एक्स को 1/t। तो ये चार फॉर्म है, इन सब में क्या क्या करना है ये कुछ इसमें लॉजिक्स है, ये आप लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.13 हम लास्ट एक्सरसाइज इस इनडेफिनेट इंटीग्रल पे कर लेते हैं। एक से लेकर के पांच तक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, लीनियर अंडर रूट लीनियर टाइप के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन बाहर है एक्स प्लस टू और अंडर रूट में है एक्स प्लस वन। आप देख पा रहे हो बाहर लीनियर, अंडर रूट में लीनियर, लीनियर अंडर रूट लीनियर है। जब लीनियर अंडर रूट लीनियर है तो क्या करेंगे, अंडर रूट लीनियर को टी पुट करेंगे। तो आप देख लीजिए पुट करेंगे किसको, अंडर रूट लीनियर को, अंडर रूट एक्स प्लस वन को टी पुट करेंगे। दोनों तरफ स्केयर किया तो एक्स प्लस वन हो गया टी स्केयर, एक्स की वैल्यू आ गई टी स्केयर माइनस वन। ठीक है, पुट किया तो डेरिवेटिव भी करना होगा। यहां आ गया dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, माइनस वन का हो गया जीरो, राइट। अब ये सब वैल्यू यहां रख दें, इंटीग्रेशन इस dx की जगह तो ये आ गया 2t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई x प्लस टू, x की जगह कौन, टी स्केयर माइनस वन, टी स्केयर माइनस वन x की जगह, प्लस टू इंटू इस कंप्लीट को क्या पुट किया टी, ये कैंसिल, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऊपर हो गया डी टी और नीचे हो गया टी स्केयर प्लस वन। और बच्चे इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, टू वन अपॉन वन प्लस टी स्केयर कितना, टेन इनवर्स टी प्लस सी, और इसमें टी की जगह हम वैल्यू रखेंगे कितनी, टी की जगह कितना, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये चार चीजें फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर पांच तक कर लें, लीनियर अंडर रूट लीनियर वाले। आप देख रहे होंगे कि फिफ्थ में तो लीनियर अंडर रूट लीनियर नहीं है, वहां भी है। कैसे, फिफ्थ क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर रूट एक्स है ना, इसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई, रूट एक्स से डिवाइड कर दें, तो यहां क्या आएगा, ऊपर तो हो गया एक्स और नीचे हो गया वन प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। अब तो क्वेश्चन नंबर फाइव तक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जिसमें बाहर क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में लीनियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट में। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, बाहर क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में लीनियर है। तो हम सब जानते हैं, अभी हमने लॉजिक जाना था, बाहर क्वाड्रेटिक हो अंडर रूट में लीनियर हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट लीनियर को ही हम टी पुट करेंगे, दोनों तरफ स्केयर करेंगे, एक्स माइनस वन हो गया टी स्केयर, एक्स की वैल्यू आ गई टी स्केयर प्लस वन, डी एक्स बन गया टू टी इंटू डी टी, राइट।
यहां रखिए अब सब, इंटीग्रेशन ऊपर हो गया 2t इंटू डी टी और नीचे देखिए एक्स स्केयर, एक्स की वैल्यू कितनी है टी स्केयर प्लस वन, तो यहां आएगा टी स्केयर प्लस वन का स्केयर माइनस थ्री एक्स, एक्स कितना टी स्केयर प्लस वन और ये हो गया प्लस टू, और इस कंप्लीट को हमने क्या पुट किया था टी, ये टी से टी आई एम सॉरी ये टू नहीं टी से टी कैंसिल, सो इंटीग्रेशन ऊपर हो गया टू, ये टू है ऊपर टी से टी कैंसिल हो गया, नीचे इसका स्क्वायर खोलेंगे टी पावर फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस टू, टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन ऊपर हो गया टू और नीचे हो गया टी पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें, ऊपर हो गया डी टी और इन दोनों से टी स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस वन, इसके बाद टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर ये बन गया टी माइनस वन टी प्लस वन, और अब हम इसको सोल्व कर दें कौन से मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से, हम इसको कंसीडर करेंगे वन अपॉन टी स्क्वायर टी माइनस वन टी प्लस वन को ए अपॉन टी होल पावर है ना, ये टी भी अपने आप में एक फैक्टर है ना, टी स्क्वायर है होल पावर है, तो एक एक पावर इंक्रीज करते हुए चलना है, ए बाई टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी माइनस वन प्लस डी अपॉन टी प्लस वन, अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है, चारों की वैल्यू आप इनमें रखें और फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें जैसा हमने पीछे पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बाहर क्वाड्रेटिक का रूट में लीनियर है ऐसे सोल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में, इन तीनों में आप देख पा रहे हैं बाहर लीनियर है अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे इन तीनों में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, बाहर लीनियर है अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, अगर बाहर लीनियर हो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो तो बच्चों क्या करेंगे हम, लीनियर को पुट करेंगे 1/t है ना, लीनियर को पुट करेंगे 1/t, यहां से x की वैल्यू आएगी 1/t माइनस वन और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी ये बनेगा, ये सब चीजें हम यहां रखेंगे, इंटीग्रेशन इस dx की जगह ये आ गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई x प्लस वन, x प्लस वन को हमने क्या लिखा 1/t अंडर रूट, यहां कितना है एक्स स्केयर, मतलब ये 1/t माइनस वन का स्केयर प्लस एक्स, एक्स मतलब 1/t माइनस वन और प्लस वन, ये वन से वन कैंसिल, ये एक टी से ये टी भी कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हो गया माइनस वन बाई टी इंटू डी टी और नीचे हो गया अंडर रूट होल स्केयर खोले 1/t स्केयर प्लस वन माइनस 2/t प्लस 1/t, यहां जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा 1/t, 1/t स्केयर प्लस वन माइनस 2/t प्लस 1/t, सो इंटीग्रेशन माइनस 1/t इंटू डी टी और यहां बन गया 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1 अपॉन 1 राइट, माइनस 2/t प्लस 1/t माइनस 1/t, सो इंटीग्रेशन माइनस 1/t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई
इन सब का एलसीएम आएगा टी स्केयर, ये हो गया 1 माइनस टी प्लस टी स्केयर, ठीक है। इसका मतलब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो ऊपर तो रूट लगाएंगे तो ये इसका रूट हो गया और नीचे इसका रूट टी हो जाएगा, ये टी से टी भी कैंसिल, माइनस बाहर, ऊपर हो गया डी, नीचे हो गया टी स्केयर माइनस टी प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन आपने पहले सीखा हुआ है। क्या करेंगे, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए और फिर इस पे फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर अकेला डीटी है, नीचे क्वाड्रेटिक है, बस अंडर रूट में इतना ही तो फर्क है, तो रूट के अंदर ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पीछे हम इस पे बात कर चुके हैं, पहले आप एक्सरसाइज में इसको पढ़ चुके हैं, और लास्ट में फिर टी की जगह वैल्यू रख देंगे हम, क्या अगर एक्स प्लस वन ये है तो टी क्या आएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दे, टी कितना आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो लास्ट में टी की जगह वन अपॉन एक्स प्लस वन हम रख देंगे। तो ये थर्ड टाइप हमने डिस्कस की जहां बाहर लीनियर है और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है। जो लास्ट के तीन क्वेश्चन है 12, 13, 14, उसमें क्वाड्रेटिक, अंडर रूट, क्वाड्रेटिक है, तो ये कैसे होंगे इन पे भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर क्वाड्रेटिक है और रूट में भी क्वाड्रेटिक है, जब बाहर क्वाड्रेटिक है अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक है तो पुट करेंगे x को 1 बाई टी, ये अभी हमने डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, सो इंटीग्रेशन इस dx की जगह ये आएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, वन अपॉन टी स्क्वायर, इसके बाद अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे वन बाई टी स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ गया वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर एलसीएम तो यहां आएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, यहां भी एलसीएम तो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, सो इंटीग्रेशन माइनस बाहर, यहां इस पे भी रूट और इस पे भी रूट, तो इस जब हम इस पे रूट लगाएंगे तो ये तो हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन, और इस पे रूट लगाएंगे तो हो गया टी, ये टी ऊपर जाएगा, टी अपॉन ये आ गया टी स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। अब जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा हो गया, बस फर्क यह है कि उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहां टी स्क्वायर की टर्म है, क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, 13 क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, यहां से देखिए यहां टी है यहां टी स्क्वायर है, हमने यहां पर पुट किया टी स्क्वायर को जेड, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव टी इंटू डी टी मिल जाएगा ना, टू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड, तो यहां से टी इंटू डी टी कितना आएगा डी जेड बाई टू, ये टी इंटू डी टी आ गया डी जेड बाई टू, तो यहां से रिजल्ट कितना आया जेड बाई टू, जेड बाई टू से वन बाई टू बाहर, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस वन बाई टू हो गया, ऊपर बन गया डी जेड, नीचे आ गया जेड प्लस वन अंडर रूट जेड माइनस वन, ठीक है हो गया। अब देखिए ऊपर डी जेड बाहर लीनियर रूट में भी लीनियर, अब ये फर्स्ट टाइप हो गई, पहले जो पांच क्वेश्चन थे उसके जैसा हो गया, बाहर लीनियर है रूट में भी लीनियर है, तो क्या करेंगे पुट करेंगे अंडर रूट लीनियर को वाई पुट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो जेड माइनस वन कितना आ गया वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है भाई, यहां टी में पुट किया था फिर हमने यहां z में कर दिया, यहां पे y में कर दिया, t तो पहले यूज हो चुका ना, z भी यूज हो चुका तो y में पुट किया, z की वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव करेंगे तो dz आएगा 2y into dy, अब ये सब रिजल्ट यहां रख देंगे, माइनस 1 बाई टू बाहर, इसकी जगह हो गया
2y इंटू डी वाई जेड प्लस वन, जेड कितना है वाई स्क्वेयर प्लस वन, तो वाई स्क्वेयर प्लस वन और ये प्लस वन और आएगा तो कितना होगा वाई स्क्वेयर प्लस टू इंटू इस कंप्लीट को हमने क्या पुट किया y, ये y से y कैंसिल, ठीक है, ये टू कॉन्स्टेंट बाहर आएगा माइनस वन बाई टू इंटू टू बाहर डी वाई अपॉन ये हो गया वाई स्केयर, टू को लिखेंगे अंडर रूट टू स्केयर, टू से टू भी कैंसिल, सो माइनस बाहर, माइनस बाहर, यहां पे फॉर्मूला बन गया जो कितना होगा वन बाई ए, ए कितना रूट टू और टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब वाई बाई रूट टू प्लस सी। बस अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें y की जगह क्या रखना है आपको, y की जो वैल्यू आएगी वो रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है अंडर रूट z माइनस वन, तो y की जगह क्या रखेंगे इसमें अंडर रूट z माइनस वन, और उसमें z की जगह क्या रख दोगे t स्क्वेयर, और उसमें t की जगह क्या रख दोगे वन बाई एक्स, ठीक है, पहले y की जगह क्या रखोगे अंडर रूट z माइनस वन, फिर उसमें z की जगह t स्क्वेयर, फिर t की जगह 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा वहां, तब जाकर के ये पूरा x की टर्म में आंसर बनेगा। इंटीग्रेशन हम सिंपली कर चुके हैं, यहां पर बस y की वैल्यू रखनी है और फिर उसमें z की वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा सब कुछ कवर हो गया है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं बच्चे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नाइन्थ चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से इसको करके देखें, इसके आगे जो एमसीक्यू हैं वेरी शॉर्ट टाइप है वो करके देखें, जो हॉट्स एग्जांपल्स है वो भी करने हैं, जो भी आपकी डाउट है क्यूरीज है वो बिल्कुल लें, आप बड़े अच्छे से इसको कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।